आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को CSS ट्रांसफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। CSS पे ट्रांसफॉर्म्स दो तरह के होते हैं, एक होता है 2D ट्रांसफॉर्म और एक होता है 3D ट्रांसफॉर्म। 2D ट्रांसफॉर्म का मतलब हम लोग चेंज करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इन टू डायमेंशनल स्पेस, जैसे कि हम उसका स्केल बढ़ा सकते हैं, हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम उसको रोटेट कर सकते हैं। 3D ट्रांसफॉर्म ऑन द अदर हैंड 3 डायमेंशन पे काम करता है, यानी कि एक एडिशनल एक्सेस हमारे पास होता है Z एक्सेस, जिसकी वजह से 3 डायमेंशन में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें किस तरह से की जाती हैं आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी लिख देना और बाकी का सारा मैं इस वीडियो में देख लूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी तैयारियां आप लोगों के लिए करके रखी हुई हैं और आप लोगों को मैं यहाँ पर जो चीज दिखाने वाला हूँ ना, आपको भी मजा आने वाला है। तो सबसे पहले तो बड़ा बेसिक स्टार्ट हम लोग लेंगे। यहाँ पर एक index.html बनाऊंगा, बॉयलरप्लेट टेम्पलेट लगाऊंगा, एक बड़ी बेसिक सी चीज है CSS ट्रांसफॉर्म, तो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मान लो मेरे पास एक डिव है जिसमें एक कंटेनर है, इसके अंदर एक बॉक्स है, बॉक्स को कुछ स्टाइल्स दूंगा और इसको सबसे पहले मैं हाइट दूंगा सिर्फ 50 pixels, विड्थ दूंगा इसको सिर्फ 50 pixels, इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं से बीज और इसको एक बॉर्डर दूंगा 2 pixel सॉलिड ब्लैक। इसका प्रीव्यू देखते हैं और इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मान लो कि ये जो हमारा बॉक्स है ये कंटेनर के अंदर है, तो मैं जो कंटेनर है उसको मैं विड्थ दे दूंगा 100 VW, उसको मैं हाइट दे दूंगा से 80 VH और मैं उसको बॉर्डर दे दूंगा बिल्कुल कुछ इसी तरह का, बस मैं जो बॉर्डर कलर है उसको चेंज करके कर दूंगा पर्पल। ठीक है, तो यहाँ पर पर्पल कलर के बॉर्डर के बॉक्स के अंदर यहाँ पर मेरा ये आ चुका है। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है ये आप लोग देखो, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करती है कुछ ट्रांसफॉर्म्स एलिमेंट के अंदर। सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्म आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो है रोटेट। मान लो मैं बॉक्स को रोटेट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा दूंगा, मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्म और मैं कह दूंगा रोटेट। अब रोटेट में आप लोग यहाँ पर देखो, रोटेट है, रोटेट 3D है, रोटेट X है, रोटेट Y है, रोटेट Z है। मैं सबसे पहले आप लोगों को रोटेट दिखाता हूँ। मान लो मैं इसको 40 डिग्री से रोटेट करना चाहता हूँ, तो ये 40 डिग्री से रोटेट हो गया जैसे कि आप देख सकते हो। मैं एक काम और करता हूँ, इसके अंदर ना बॉक्स लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर ये बॉक्स दिखे। और अगर मान लो आप चाहते हो इसके अंदर चीज़ें सेंटर हो जाए, यू नो वट टू डू, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, ऑनलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखो जो बॉक्स है वो सेंटर में आ जाएगा और मैंने इसको रोटेट कर दिया। अगर मैं इसको चाहूँ तो 45 डिग्री से कर सकता हूँ, 40 डिग्री से कर सकता हूँ, वो भाई साहब मर्जी मेरी है। लेकिन यहाँ पर एक और यूनिट है फेमस जो कि है टर्न। मान लो मैं कहता हूँ कि भाई 0.25 टर्न, यानी कि 360 डिग्री एक टर्न है, तो 0.25 टर्न मैं इसको घुमाना चाहता हूँ अगर, तो ये देखो ये 90 डिग्री पर घूम गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये टर्न हो चुका है 90 डिग्री। अगर मैं इसी को 0.5 टर्न कर दूँ तो यू नो कि ये 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, और एक टर्न का मतलब कि एक बार इसको घुमाकर वापस वहीं पर रख दिया, यानी कि 360 डिग्री का रोटेशन। फिर यहाँ पर हम एक एक्सिस के अराउंड इसको जो है रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ट्रांसफॉर्म और मैं ट्रांसफॉर्म लिखकर यहाँ पर कह सकता हूँ रोटेट। मान लो मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ रोटेट एक्स, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा। और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40 डिग्री, मैं यहाँ पर 40 DEG लिख सकता हूँ और मैं इसको 40 डिग्री को जिस तरह से लिखूंगा, और आप लोग देखो कि ये एक्स में जो है 40 डिग्री रोटेट हो जाएगा। सेमी कॉलन मैंने नहीं लगाया, आप देखो ये एक्स में 40 डिग्री रोटेट हो गया। अब जब मैं कहता हूँ एक्स में रोटेट हो गया, ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो गया, यानी कि ये अगर मेरी एक्स एक्सिस है ये वाली, और ये मेरी वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस इस स्क्रीन के अंदर अगर मैंने गड्ढा खोद दिया वो है, तो वो जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर आप ऐसा समझ लो कि ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से रखा हुआ था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फुल स्क्रीन पर आकर। अगर ये मेरा बॉक्स कुछ इस तरह से है और ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा या इस तरह से रोटेट होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेशन देता हूं, तो ये पेपर थिन हो जाएगा और दिखेगा ही नहीं आपको। और इसी प्रकार अगर मैं यहां पर रोटेट वाई कर दूं, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। और मैं अगर चाहूं तो इसको जस्ट 9 डिग्री रोटेट कर सकता हूं, आप देखो जैसे थोड़ा सा ही रोटेट होगा वाई एक्सिस के अबाउट। और अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो वो भी हो जाएगा, आप रोटेट जेड भी कर सकते हो और जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो जाएगा। जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट इस तरह से हो रहा है सच दैट कि आपकी जो ये एक्सिस है जेड वाली, वो स्क्रीन के अंदर जा रही है। तो देखो ये इस प्लेन पे ही रोटेट होगा क्योंकि जो एक्सिस है वो तो जा रही है अंदर स्क्रीन के। आई होप आप लोग इसको समझ गए। तो ये होती है हमारी रोटेट प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है हमारे पास स्केल प्रॉपर्टी। स्केल में भी आप लोग इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर मान लो इसको ऐसे हटा दूँ और मैं यहाँ पर फिर लिखूँ ट्रांसफॉर्म और मैं यहाँ पर लिखूँ स्केल,
स्केल, तो देखो स्केल में भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, और एक ऑप्शन मेरे पास है 1.5, या मैं इसको 1.6 टाइम स्केल करूँ तो ये देखो 1.6 टाइम्स ये बड़ा हो गया है। और अगर मैं चाहूँ सिर्फ एक्स में बड़ा हो तो मैं स्केल एक्स कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ सिर्फ वाई में बड़ा हो तो मैं स्केल वाई कर सकता हूँ, और इसी तरह से आपका जो है और भी स्केल वाले जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो काम करती हैं। आपको सिंपली स्केल लिखना है, और स्केल 3D में भी आप लोग इसको कर सकते हो। जब आप स्केल 3D करते हो तो एक 3D ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई हो जाता है। और अब मैं आप लोगों को स्क्यू के बारे में बताऊंगा, और स्क्यू अगर मान लो मैं इसको कर देता हूँ लेट अस से 5 degrees, तो मैं इसको ज़रा सेमी कोलन लगा के आपको दिखाता हूँ, और जैसे ही मैं स्क्यू कर दूंगा 5 degrees से तो ये स्क्यू हो जाएगा। स्क्यू का मतलब ऐसे समझ लो इसको यहाँ से और यहाँ से पकड़ के खींच दिया किसी ने, ऐसे फोर्स लगा दिया और एक ऐसे फोर्स लगा दिया, तो ये स्क्यू हो जाएगा। ठीक है, y एक्सेस में भी कर सकते हो आप लोग स्क्यू, तो आप यहाँ पर स्क्यू y लिख सकते हो, 34 degree कर सकते हो, लेकिन z एक्सेस में स्क्यू नहीं होता। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि स्क्यू आप z एक्सेस में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो स्क्यू जो है वो z एक्सेस के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यार यहाँ से मैं अभी स्क्यू को हटाऊंगा और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ट्रांसलेट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी होती है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लो मैं कहता हूँ 34 pixels, तो ये देखो 34 pixels से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 34%, तो जो इसकी विड्थ है उसका 34% से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 100%, तो ये 100% से जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। और मैं इसको एक्स में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ, और मैं इसको वाई में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो वाई में मैं ट्रांसलेट करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ लगानी होती हैं, और जब हमें एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ लगानी होती हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपली स्पेसेस से इसको लगा सकते हैं। मान लो मैं इसको स्क्यू भी करना चाहता हूँ, स्क्यू एक्स करना चाहता हूँ लेट अस से 40 degree, और मैं उसी के साथ साथ इसको ट्रांसलेट एक्स भी करना चाहता हूँ, और मैं कहूँगा ट्रांसलेट एक्स, और मैं कह दूंगा इसको सेव 45%, तो ये तीनों ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ एक साथ अप्लाई हो गई। देखो ट्रांसलेट भी हो गया एक्स और वाई में, स्क्यू भी हो गया। ठीक है, जो जो मैं लगाऊंगा यहाँ पर वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए किस तरह से मल्टीपल ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ आप लोग लगा सकते हो। अब ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल कब किया जाता है, मेनली तब किया जाता है जब हम लोग बना रहे हैं इसे एक नैव बार, और मैं चाहता हूँ कि नैव बार छिप जाए, तो मैं इसको ट्रांसलेट -100% कर सकता हूँ, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। देखो वाई से बाहर चला गया ये। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर मैं स्टार कर दूँ कुछ इस तरह से, मैं कहूँ स्टार, और मैं कहूँ M0, और मैं कहूँ यहाँ पर P0, और मार्जिन पैडिंग 0 लगाकर मैंने देखो इसको कर दिया, तो ये ऊपर चला गया बिल्कुल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। ट्रांसलेट वाई में मैंने -100% किया था, अगर मैं ट्रांसलेट एक्स में कर दूं -45%, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। कहाँ गया मेरा माइनस बटन कीबोर्ड का, ये रहा, दबा दिया मैंने, देखो चला गया इधर को एक्स एक्सिस में। तो कुछ ऐसा कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ये क्या होती है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या होती है। मान लो मैंने इसको रोटेट 0.5 टर्न्स किया, कहाँ से किसके अबाउट ये रोटेट होगा, मैं इसको 0.25 कर देता हूँ ताकि ये सिर्फ 45 डिग्री से टर्न करे, सॉरी 0.125 करना होगा 45 डिग्री के लिए। तो ये देखो 45 डिग्री से टर्न कर रहा है, और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसका जो रोटेशन का पॉइंट है वो इसका सेंटर है, तो बेसिकली आप देखो मेरा बॉक्स यहाँ पर है। जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की वो 50-50 होती है, यानी कि सेंटर होती है। अब मान लो मैं इसको 0-0 कर दूँ, मैं कहूँ यार कि ये मेरा 0 हो और ये भी मेरा 0 हो, तो ये रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको, मैं इसको ना डिग्रीज में चेंज कर देता हूँ। मान लो मैं इसको कर देता हूँ 55 degrees, तो जैसे ही मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा आप देखो रोटेशन जो है इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, 0-0 के अबाउट, जो कि ओरिजिन है। अब जैसे जैसे ये वाली वैल्यू बढ़ेगी जो 0% है, मान लो मैं इसको कर देता हूँ 10%, ठीक है, हमारा ओरिजिन देखो आगे बढ़ता जा रहा है। अब जो हमारा रोटेशन होगा वो इस पॉइंट के अबाउट होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा रोटेशन है वो इस पॉइंट के अबाउट होगा, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। देख रहे हो आप लोग, जो ये पॉइंट है, जो इस बॉक्स में ये पॉइंट है, यानी कि अगर मैं इसमें ट्रांसफॉर्म ना लगाऊँ, मैं इसमें ट्रांसफॉर्म ना लगाऊं, तो यहाँ से 10% और यहाँ से नीचे को मान लो मैं अगर 50% लिखता हूँ, तो हाफ वे पॉइंट पर जो है रोटेशन वाला जो हमारा पॉइंट है वो आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे उस पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करेगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। यूज़ किया जाता है जब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है, बट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है, ये भी बता दूँ आप लोगों को। इसके बाद एक कोड विद हैरी स्पेशल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ चीज़। ये सारी चीज़ें तो आई होप आप लोगों ने समझ ली। अब एक मैंने एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ डेमो बनाया हुआ है, और इसमें मैंने डाली हुई एक style.css। चलो यार इसको प्रीव्यू करते हैं और आपको पता चलेगा। तो ये देखो इसमें ना सारे के सारे जो हमारे ट्रांसफॉर्म्स हैं उनको मैंने कवर करने की कोशिश करी है। तो ये देखो स्केल एक्स जो है वो इस तरह से स्केल करता है, स्केल वाई जो है वो इस तरह से स्केल करेगा, स्केल कुछ इस तरह से करेगा एक्स और वाई दोनों में, ट्रांसलेट एक्स ऐसे करेगा, ट्रांसलेट वाई कुछ ऐसे करेगा, ट्रांसलेट ऐसे करेगा, एक्स और वाई में दोनों में वैल्यू लगी हुई है। तो अगर आपको देखना है कौन सी वैल्यू लगी हुई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रांजिशन मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग जो है थोड़ा सा वेट करें ट्रांजिशन के लिए। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ, रोटेट ये हुआ, स्क्यू ये हुआ,
स्क्यू एक्स ये हुआ, स्क्यू वाई ये हुआ, मैट्रिक्स 3D ये हुआ, ट्रांसलेट 3D ये हुआ, रोटेट इस तरह से होगा, कौन से एक्सिस के अबाउट हुआ, रोटेट वाई एक्सिस के अबाउट, ये देखो इस तरह से एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हुआ, तभी जब हमने इसको पूरा 90 डिग्री पे रोटेट किया था तो ये गायब हो गया था, पेपर थिन हो गया था, ठीक है। ट्रांसलेट जेड कुछ इस तरह से करेगा, यानी कि नीचे को जाता वो प्रतीत होगा, इसको एक्स और वाई में भी किया है ट्रांसलेट, ताकि दिखे आप लोगों को कि अंदर को घुस रहा है स्क्रीन के, बट दिख रहा है आप लोगों को कि यार क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जो हमारी मॉनिटर होती है वो तो 2D स्क्रीन होती है, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रतीत कराती हैं ऐसा कि 3D में हमारा रोटेशन हो रहा है। तो इसकी जो CSS बनाई है वो इस प्रकार से बनाई गई है सच दैट कि आप लोगों को डेमो समझ में आए अच्छी तरह से। मैंने डेमो को इस तरह से पुट टुगेदर किया है कि आप लोग कमेंट में भी देख के पता लगा सको कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। सो आई होप कि ये जो डेमो होगा वो हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, खुद से ट्राई करना यार इन प्रॉपर्टीज़ को। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा इस सब को देखने के बाद। और अगर सिग्मा वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो यार सिग्मा वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना अभी के अभी, यहाँ क्लिक करके इसको करना बुकमार्क, यहाँ क्लिक करके इसको करना सेव, सोर्स कोड जो है गिटहब पे अपडेट होता जा रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।